नहीं मैं कर सकती। ठीक है हाँ स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद यशोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद यशोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग जब मैं पहले आया था हम लोग श्रवण कर रहे थे रासलीला। हम लोग अभी श्रवण करेंगे गोपी गीत हम सुनेंगे। ठीक है कहते रासलीला में जब कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए और गोपियों ने कृष्ण को ढूंढते ढूंढते किसी तरह से कृष्ण मिले ही नहीं। अभी गोपियां सोच रही हैं जितने हम कृष्ण को ढूंढेंगे कृष्ण अभी छुपने के लिए कोशिश करें। उनको शर्मिंदा है हमने गोपियों के साथ में जो व्यवहार किया अच्छा नहीं किया क्योंकि कृष्ण उनको बीच रात में बंसुरी बजा करके कृष्ण बुलाए और बुला करके बीच में उन्होंने गोपियों को बीच में छोड़ करके चले गए। इसलिए कृष्ण शर्मिंदा है और कृष्ण को हम जितने ढूंढेंगे कृष्ण उतना कोशिश करेंगे छुपने के लिए और छुपने के लिए कृष्ण कोशिश करेंगे तो फिर कृष्ण को कष्ट होगा क्योंकि ये जंगल है जंगल में कंकड़ है वहां पर कांटा है। इसलिए एक काम करते हैं ये उपनिषद कहता है न अयम आत्मा न अयम आत्मा बलहीन न लब्ध न मेधया न बहुना श्रुते न जमे वैस वृणते तेन लभ्य तस्य से आत्मा विवृणते तनुष्या। उपनिषद कहते हैं न अयम आत्मा प्रवचनीन न लब्ध मतलब है हम आत्मा तत्व को हम कोई अगर सोचे हम तो बहुत अच्छी हरिकथा करते हैं प्रवचन करते हैं भगवान से प्रवचन को द्वारा भगवान मिल जाएंगे कहते भगवान प्रवचन से नहीं मिलते हैं। न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया अगर कोई सोचे हम तो बड़े इंटेलिजेंट बड़े बुद्धिमान हैं हमने तो पीएचडी किया है तीन चार चार हमने पीएचडी किया है इसलिए क्या उससे भगवान मिल जाएंगे बोले भगवान उससे भी कृष्ण नहीं मिलते हैं। न आत्मा प्रवचन न वेद न बहुना श्रुते न अगर कोई सोचे अरे हम दिन रात सुनते रहते हैं हम दिन रात वेद पढ़ते रहते हैं हम इससे ही भगवान मिल जाएंगे
बोले भगवान उसी से भी नहीं मिलते हैं। फिर भगवान मिलते हैं कैसे? बोले भगवान तभी मिलते हैं, इसलिए कहते सही जाने जा रे देहु जाना ही। बोले भगवान उनसे ही प्राप्त हो सकते हैं, भगवान कृपा करके जिसको स्वयं जनाते हैं। इसलिए तब भी कोई भगवान को जान सकते हैं, बुद्धि विद्या पांडित्य के द्वारा भगवान को कोई भी नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान को बताया अवांग मनस गोचरम। जो अवांग मनस गोचरम, जो वाणी और बुद्धि से जो अतीत है, इसलिए उनको बताया अधक्ष सज। अधक्ष सज मतलब अधम कृतम अक्षजम ज्ञानम स एव अधक्ष सज। अध मतलब होता है नीचे, अक्षज मतलब होता है जड़, ज्ञान को जो नीचे करके उसको ऊपर में जो विद्यमान है। इसलिए साधारण जीव की बात छोड़ दो, ब्रह्मा स्वयं कहते हैं जानन्तु एव जानन्तु। अगर कोई कहता है अरे हम भगवान को जानते हैं, वही जो गैया चराते थे ना हैं, और जो घर घर में मक्खन चोरी करते थे, गोपियों के साथ में रासलीला करते, वही कृष्ण है ना, अरे हम सब जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा कहते जानन्तु एव जानन्तु। अगर कोई कहता है मैं भगवान को जानता हूँ, ब्रह्मा कहते उनको जानने दो हैं। कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की महिमा को कोई नहीं गिन सकते हैं। मैं ब्रह्मा कह रहा हूँ, दुनिया को सृष्टि करने वाले चतुर्मुख में ब्रह्मा कह रहा हूँ। इसलिए अभी गोपियां सोच रही हैं कृष्ण को वही जान सकते हैं, कृष्ण जिसको कृपा करके जनाते हैं। अभी प्रश्न है फिर कृष्ण को कौन जान सकता है? भगवान कहते हैं वही जान सकते हैं। कहते ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, कहते मैं रहता हूँ कहाँ पर? कहते कोई कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ, भगवान कहते वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। कोई कहते योगियों का हृदय में रहता हूँ, बोले योगियों का हृदय में नहीं रहता, पर रहते हो कहाँ पर? बोले एक जगह में मेरे को पाओगे जहाँ पर मेरे भक्तजन मेरे कीर्तन करते हैं, जहाँ पर मेरी कीर्तन और जहाँ पर मेरी कथा करते हैं, मैं केवल वहीं पर रहता हूँ। इसलिए उनको पाने का सबसे सरल उपाय है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जा रहे थे है? तो महापुरुष सारे भक्तों को बुला करके बोले देखो कलयुग में मैं दो जगह पर प्रकट होऊंगा, दो रूप में मेरा अवतार है। एक अवतार है दो अर्चा विग्रह जो ठाकुर का हम पूजा करते हैं, और दूसरा है जहां पर मेरी कीर्तन हो। इसलिए महापुरुष कहते हैं अगर मेरे को तुम लोग प्रेम करते हो ना, क्या करो सबके सब बैठ करके मजीरा मृदंग है तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ में ताली बजा करके हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। महाप्रभु स्वयं कहते हैं ताली बजा तो ये पांच सात मिलकर के कीर्तन करना, जहां मेरी कीर्तन मैं वहीं पर ही विद्यमान हूँ। अभी गोपियां सोच रही हैं कृष्ण स्वयं बताए, उनको पाने का एक उपाय है उनका कीर्तन। चलो हम सबके सब यमुना किनारे में बैठ करके कीर्तन करेंगे। तो यहाँ प्रश्न होता है बोले ये यमुना किनारे में बैठ करके क्यों कीर्तन करना चाहती हैं? है? इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती दो कारण बताए। पहला कारण बताए बोले अंदर में घनाघोर जंगल है, अगर जंगल में कीर्तन करेंगे ना इसकी आवाज दूर नहीं जाएगी। जैसे घर में बैठ कर कीर्तन करोगे आवाज बाहर थोड़ी जाएगी जाएगी, लेकिन बाहर बैठ कर कीर्तन करो आवाज बड़ी दूर तक जाएगी। इसलिए बोले यमुना किनारे में बैठ कर कीर्तन करेंगे, इसकी जो आवाज है बड़ी दूर तक जाएगी। दूर तक जाएगी तो कृष्ण कहीं ना कहीं जंगल में होएंगे, कीर्तन सुन कर कृष्ण फिर आ जाएंगे। ये पहला कारण। दूसरा कारण बोले यमुना कौन है? बोले यमुना जो है कहते कृष्ण का पटरानी और कृष्ण का सखी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं चिदानंद भानु सदानंद सुनो परम प्रेम पात्री अघा नाम लभत्री। इसलिए कहते हैं यमुना ये कोई साधारण नदी नहीं,
कहते जो प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम जब ये द्रवीभूत तो होकर के वो बहती है कदी यमुना, इसलिए कहते राधा कृष्ण का प्रेम ही यमुना है। बोले यमुना प्रकट कैसे हुई? बोले एक समय कृष्ण अपना राग सुने, अपना भजन को सुने, राग जब सुने अभी प्रेम से भगवान का शरीर द्रवीभूत हुआ, भगवान के शरीर से पसीना निकली, जब पसीना निकली अभी मैया जशोदा कृष्ण को मोटी मोटी काजल लगा दी थी, जब पसीना निकली ये पसीना काजल में मिल गई, फिर क्या हो गया, काली हो गई। काली हो करके उनका वक्ष स्थल को बहते हुए जब चरण में बहते हुए उनका चरणों को स्पर्श करते हुए जो वे बहती हैं कदी श्री यमुना भटरानी, मतलब कृष्ण का जो प्रेम ही ये द्रवीभूत तो होकर के यमुना नदी रूप में बहती है। इसलिए यमुना की तो इतने महिमा यमुना की, बोले गंगा में स्नान करने का जो फल है यमुना को केवल स्मरण करने का कुछ फल है। इसलिए बरहा पुराण में बरहा देव कह रहे हैं, बोले देखो कद गंगा की जितने महिमा, गंगा की बड़ी पवित्रता है, मतलब भारत में तो सर्वश्रेष्ठ गंगा को ही मानते हैं, गंगा मैया की जय। कहते गंगा की जितने महिमा है कहते उससे 100 गुण ज्यादा महिमा ये यमुना की, 100 गुण ज्यादा महिमा ये यमुना नदी की। इसलिए यमुना को साथ में किसकी बराबर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कृष्ण की सखी भी पटरानी भी है। बोले देखो चलो हम सब के सब यमुना किनारे में बैठ कर कीर्तन करेंगे, क्योंकि भगवान की प्रिय यमुना है, इनकी कृपा होगा ना फिर हमें कृष्ण दर्शन हो जाएगा। और एक पुराण में कथा आती है ये यमुना है ना ये राधा कृष्ण को दोनों को मिलन कराने वाले, एक सुंदर स्टोरी सुन लो। बोले एक समय राधा रानी कृष्ण को कह रहे हैं, बोले कृष्ण मैं हर समय मैं मान करती हूँ आप मेरे को मनाते हो, एक दिन आप मान कर मैं मना। इतने में कृष्ण ने कहा देखो जो मान है ना स्त्रियों का काम है, ये स्त्रियां मान करती हैं और पुरुष उनको मनाती हैं, इसलिए पुरुष लोग थोड़ी मान करते हैं। राधा रानी बोले देखो मान तो मैं हर समय करती हूँ, एक बार आप मान करो ना, मैं कोशिश करता हूँ आपको मनाने के लिए। कृष्ण बोले ठीक है मैं मान करता हूँ। अभी कृष्ण मान करके बैठ ही गए, जब बैठ गए अभी राधा रानी कोशिश की उनको मान को मनाने के लिए। देखो जब कोई सचमुच से कोई सोया हुआ व्यक्ति हो ना आप उसको जगा सकते हो, अगर कोई जानबूझ करके सोया हुआ आप उसको जगा नहीं सकते हैं। इसलिए अभी कोई मान का कारण हो तभी तो कोई मान टूटेगा ना, लेकिन यहाँ पर तो मान का कोई कारण ही नहीं, कृष्ण तो बिना कारण से मान किए। अभी राधा रानी कृष्ण को मनाते 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 और राधा रानी कृष्ण को मान ही नहीं उतर रहा है किसी तरह, जब मान नहीं उतर रहे अभी तो राधा रानी बड़ी परेशानी। बोले मैंने क्यों कहा मान करने के लिए, श्याम सुंदर का मान ही नहीं उतर रहा है, बड़े परेशानी। इतने में श्री यमुना को पास में गई राधा रानी, बोले ऐसे ऐसी बात है, बोले मैं तो चुटकी बजाते ही मान उतार दूंगा। बोले क्या, मैं तो पूरा जी जान लगा दिया उनका मान ही नहीं उतरा, आप तो चुटकी बजाते। बोले हाँ मेरे पास में ये जादू है। बोले ठीक है अगर तुम ये काम कर दिया ना मैं तो चरण चरण में ऋणी रह जाऊंगी, इसलिए तुम काम करो। अभी कृष्ण का रंग भी काले और यमुना भी काली है, यमुना भी काली और कृष्ण का रंग जैसे यमुना के रंग वैसे ही है। अभी यमुना ने गई और एकदम कृष्ण का रूप उनने धारण की, सुंदर मयूर मुकुट लगा दिए और सुंदर उनने पीताम्बर पहन लिए और अपना चोटी को बड़े सुंदर कृष्ण का जैसे चोटी बना दी और हाथ में बंसुरी ले ली, एकदम कृष्ण जैसे यमुना एकदम कृष्ण जैसे रूप धारण की। अब देखना किसी लड़की को जैसे कृष्ण पूर्व, अगर किसी लड़की को लड़का बना दो सजा करके सुंदर करके उसको बना दो ना श्रृंगार करके, देखना वो लड़के से भी लड़की ज्यादा सुंदर लगती है हम उनको अगर अच्छे तरह सजा दो। अभी जब श्री यमुना बड़ी सुंदर लटके झटके कर कृष्ण जैसे चलते हैं ना एक त्रिभुवन ललित रूप में शरीर को हिलाते हुए, जब यमुना नदी कृष्ण रूप धारण करते आई, कृष्ण ने बोला ये कौन है, ये तो मेरे जैसे लग रहा है ये। क्या कभी हमने जमज जमज मतलब एक कट है जमज, हम बच्चे जन्म हुए थे और मैया ने मेरे को बताया नहीं ये बात, ये तो एकदम तो मेरे जैसे और मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। जब वो यमुना नदी आए ना इतने में जितनी कृष्ण का सखियां थी, बोले अरे
ये तो कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर लग रही है, लगता है यही असली कृष्ण है, ये नकली कृष्ण है। जितने सखियां थी ना, असली कृष्ण को छोड़कर नकली कृष्ण को पीछे भाग गए। कृष्ण बोले ये क्या हो गया, ये तो मेरे को ही छोड़ दिए, हाँ ये तो नकली कृष्ण को ही बन कर गए, उसको पीछे चले गए। कृष्ण समझ गए भैया दाल में कुछ काला है, हाँ? दाल में कुछ काला है। इतने में कृष्ण वहां पर गए, यमुना को बोले तुम कौन हो, बोले कृष्ण मैं कृष्ण हूँ। बोले तू कृष्ण हो, बोले हाँ। बोले भैया मैं भी कृष्ण हूँ और तुम भी कृष्ण हो, इसलिए दोनों जब कृष्ण हम दोनों मित्र बन गए। जब हम दोनों मित्र है, देखो आओ हम अपना गले में मिलते हैं। कृष्ण जब यमुना नदी को अपने गले में मिले ना, फिर तो पता चला ये कौन है। बोले ये यमुना महारानी, ये कृष्ण नहीं, ये यमुना महारानी। और कृष्ण का जो मान था, कृष्ण का मान एकदम उतर गया, मतलब मान टूट गया ना, असली कृष्ण को छोड़े नकली कृष्ण को पीछे भाग गए सब के सब। इसलिए कहते जी यमुना ने क्या की, राधा कृष्ण जो मान किए थे, जिनका मान नहीं उतर रहा था और राधा कृष्ण के मिलन नहीं हो रही थी, यमुना ने राधा कृष्ण दोनों को मिलन करा दी। इसलिए जो यमुना है क्या करती है, राधा कृष्ण को मिलन कराने वाली। इसलिए गोपियां सोच रही हैं, अगर हम लोग यमुना किनारा में बैठ करके अगर कृष्ण कीर्तन करेंगे ना, फिर कीर्तन के द्वारा ही भगवान संतुष्ट होते हैं, फिर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कलयुग में जो संकीर्तन की विशेष करके जय जयकार श्री संकीर्तन को, अभी यमुना किनारे में बैठी करके गोपियों ने ये गोपी गीत को गाए। कहती है गोपी गीत में इतने आकर्षण, इतने आकर्षण, कहीं भी अब लोग ये गोपी गीत गाओगे कृष्ण को वहां आना ही पड़ेगा, उसमें इतने शक्ति गोपी गीत में है, इतने सुंदर ये गोपी गीत है। और ये जो गोपी गीत है उसमें अद्भुत रूप में गोपियों ने जो गीत गाए, अद्भुत रूप में है, वो अद्भुत गोपी गीत है। हम लोग कोशिश करेंगे दिन में एक एक दो दो तीन तीन श्लोकों को सुन लेने के लिए। आज हम लोग पहला श्लोक को सुनेंगे, ये श्लोक में गोपियां क्या गा रही। कद इसका टीका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री जीव गोस्वामी इनका टीका लिखे है। अभी यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या देखो, ठीक क्या देखो, अभी टीका मतलब क्या है, वो शब्द का जो अंतर्निहित भाव है, वो जो बोल रहे हैं उसकी अंदर की जो भाव को टीका में प्रकाश करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं भैया ये गोपियों के हृदय को कौन समझ सकते हैं, हाँ इनके हृदय को साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते, कृष्ण ही समझ सकते, नहीं तो गोपियां ही गोपियों के हृदय को समझ सकते हैं, इनके हृदय को जगत में कोई नहीं समझ सकते। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करने से पहले गोपियों के चरण में प्रार्थना करते हैं, गोपियां अब सबके सब मेरे ऊपर में कृपा करो, आप क्या बताना चाहते हो, आप ही को पता होगा ना आप क्या बताना चाहते हो, आपका हृदय कौन समझ सकता है जिसको ऊपर आपकी कृपा हो। कहते इसलिए सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ये कोई साधारण नहीं, ये भी एक मंजरी है, ये एक राज भी सकी मंजरी। मुझे लगता है जो गोपी गीत गा रहे थे ये भी वहां पर थे, हैं वहां वहीं पर थे, क्योंकि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए, कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहबदल। महाप्रभु जब अपना स्वतदीप से इसी जगत में आए, वो अकेले नहीं आए, पूरा धाम और अपना निकुंज महल उतारे। इसलिए महाप्रभु के जितने सब परिकर है, राधा रानी की सखी और मंजरी है, और सबके सब वहां पर विद्यमान थे, हैं सबके सब विद्यमान थे, इसलिए ये इनके हृदय को जानते हैं।